ये जो दर्शन जो है हम लोग दानियेल दूसरा अध्याय और उसका सातवां अध्याय में हम लोग देखते हैं। दानियेल एक दिन प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर उसको दर्शन दे रहे हैं और जब उसको दर्शन मिला, ये दर्शन दानियेल को नहीं मिला, ये दर्शन नबूकदनेस्सर को मिलता है। दूसरा अध्याय में दानियेल की किताब में हम लोग देखते हैं नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा जो इसराइलियों को अपनी गुलामी में करकर जब बेबीलोन में वापस आता है, रात को जब नबूकदनेस्सर सोता है तो एक दर्शन को देखता है, एक सपना को देखता है और उसे याद नहीं रहता। हेलो, उसे याद नहीं रहता कि उसे कौन सा सपना दिखाई दिया। सुबह अपने ज्ञानियों को अपने ज्योतिषों को बुलाते हैं और ये कहते हैं रात को मैंने एक सपना देखा, आप मुझे उसका मतलब बताओ। बेबीलोन के गांव के लोग बोलते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं, भविष्यद्वक्ता लोग बोलते हैं, राजा तू चिरंजीवी रहे, तू सदा सुख रहे, पहला सपना तो बता, बाद में हम लोग मतलब बताएंगे। राजा बोलता है मुझे सपना याद नहीं है। नबूकदनेस्सर राजा क्या बोलता है, मुझे सपना याद नहीं है, अगर मैं चाहता हूं कि तुम लोग सपना भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ तब मैं इनाम दूंगा। सब लोगों का हार्ट अटैक आ गया क्योंकि भाई अगर तो सपना नहीं बताएगा तो मतलब कहां से बताएंगे। नबूकदनेस्सर बोलते याद ही नहीं तो मैं कहां से बताऊं। तो उसको गुस्सा आया, चार पांच घंटा हो गया, सब लोग नबूकदनेस्सर के सामने सब लोग हैरान हो रहे हैं, राजा सपना कर सपना बता, मालूम नहीं है तो बता। ज्ञानी लोग बोलते तू देखा हम कहां से बताएंगे क्योंकि ये जो उलझा हुआ है ये सिर्फ स्वर्गदूत लोग ही उलझा मतलब सुलझा सकते हैं। जिस उलझन में आप हैं सिर्फ स्वर्गदूत लोग ही इसको क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं। इस दुनिया का ज्ञान स्वर्ग के ज्ञान के समान नहीं है, ताली बजा सकते हैं हालेलुया। इस दुनिया का ज्ञान से भी बढ़कर है स्वर्ग तो बुद्धि, इस दुनिया के बुद्धि से भी बढ़कर है तेरा इंटेलेक्चुअल, तेरा विस्डम, तेरा नॉलेज, तेरा अंडरस्टैंडिंग इज द In the wisdom of heaven, दुनिया का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के सामने एक कचरा पट्टी है। इसलिए अपने ज्ञान को लेकर कभी इतना अहंकार करने मत जाना। तेरे धन को लेकर, तेरे पैसों को लेकर, तेरे गाड़ी बंगले को लेकर इतना घमंड करने मत जाना क्योंकि तेरे घमंड को चकनाचूर करने के लिए मेरे परमेश्वर के पास एक चुटकी काफी है। कोई आमीन बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। राजा क्या बोल रहा है, सपना मालूम है तो बताओ मतलब भी, अगर नहीं बोलोगे राजा क्या बोला मालूम है, टुकड़े टुकड़े कर देगा। बोला दो अध्याय पढ़कर देखना, नबूकदनेस्सर बोलकर टुकड़े टुकड़े कर देगा, सिर्फ तुझे नहीं तेरे घर को तेरे घर के लोगों को, तेरे रिश्तेदारों को, तेरे बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। बोला बाइबल पढ़कर देखना, हंसने को आता है भाई। वो जब सुन रहा था मैं बोला हे प्रभु ये कौन सा राजा है, डेंजर राजा, क्योंकि पूरे चरित्र में नबूकदनेस्सर जो था वो डेंजर राजा था। वो जब इसराइल गया था आखिरी राजा जो इसराइल में था उसकी आंखें जीते जी उखाड़ दिया था नबूकदनेस्सर ने, दोनों उंगलियों को आंखों में डाला ऐसा उखाड़ दिया, अंधा करके उसको बेबीलोन लेके आए थे। इतना खतरनाक राजा था नबूकदनेस्सर। सपना देखा मालूम नहीं, बड़ा मतलब बोल रहा है, सब लोगों के हार्ट अटैक आ गए, ये होने वाला नहीं है, एक अनाउंसमेंट आएगा, बेबीलोन में जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने भी भविष्यद्वक्ता लोग हैं सबको मार डालो। वो जो पीठ है वो भी मतलब पास हो गया, मार दो सबको। जब लोग जा रहे थे मारने के लिए भविष्यद्वक्ताओं को ज्ञानियों को, वहां पे परमेश्वर के बच्चे थे उस बेबीलोन में। कोई आमीन बोल सकते हैं, कौन से बच्चे थे? नंबर वन दानियेल, सब लोग बोलिए दानियेल, जोर से बोलिए दानियेल। आमीन। दूसरा शद्रक मेशक अबेदनगो। दानियेल का नाम नबूकदनेस्सर जो है बेलतशस्सर बोल के रखता है अपने देवता के नाम के ऊपर, और शद्रक मेशक अबेदनगो ये जो नाम है ये दूसरे नाम है, मगर यहूदियों का नाम उनका अलग है, इसीलिए कुछ विश्वासी लोग अपने बच्चों का नाम शद्रक मेशक अबेदनगो अंगे फुटा रहे हैं, वरना नायना आदि नायना देव पे लगा रहा है, देवतल पे रहेगी। हालेलुया। बाइबल से
सीधा पढ़ना है हम। नाम रखने के पहले समझ तो सही उसका मतलब क्या है भैया, हम ही बोल सकते हैं। कुछ लोगों का नाम ही मालूम है, रख लिया। नबूकदनेस्सर जो है, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये तीनों नाम है, उसके देवताओं का नाम है, मगर उनका जो नाम था वो अलग था। नहीं है, सुन लीजिए। रात को सपना देखा, सपना जोर से बोलो, सपना याद नहीं है, मगर परमेश्वर के बच्चे किधर है? हेलो, किधर है? बेबीलोन में। और जब उसको पता चल गया, दानियल पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? अरे यार क्या बोलने का, रे वो राजा सपना देखा हो के रात को, पर उसको याद नहीं है। और वो बोलता है मतलब ही बोलने के लिए, अभी वो दोनों नहीं हो रहा है, इसीलिए सबको मारने के लिए बोल रहा है, खत्म करने के लिए बोल रहा है। दानियल बोलता है मुझे एक मौका दे उसके सामने जाने के लिए। कोई बोल सकता है, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ रहता है वो राजाओं के सामने खड़ा रहता है। इसका मतलब है जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं रहता उसके गले के ऊपर तलवार है। हालेलुया। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो राजाओं के सामने निडर होकर खड़ा रहेगा, बिना डर कर खड़ा रहेगा। वो ये बोलेगा मुझे मौका दे, मैं जाएगा राजा के सामने। सब लोग राजा से भाग रहे थे, दानियल राजा के सामने खड़ा होने का निमंत्रण दे रहा है। अलाउ मी, आई विल गो देयर। तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? कितना देर समय परमेश्वर के साथ तू बिता रहा है? कितना समय मोबाइल के साथ, कितना समय परमेश्वर के साथ, कितना समय औरों के बारे में बात करने के लिए, तेरे बारे में घमंड से बात करने के लिए, या कितना समय बाइबल के साथ तेरा रिश्ता है? इन आखिरी दिनों में विश्वासी लोग समझ लेना, तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना जरूरी है, तेरा प्रार्थना जीवन सही होना जरूरी है। अन्य भाषा में बातें करते रहना बंद कर, दूसरों के बारे में चुगली खोर करना, क्योंकि ये समय नहीं है विश्वासियों को अपनी मनमर्जी के अनुसार जीने के लिए, ये समय है परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए, ये समय है अपना जो जीवन है परमेश्वर के साथ सही मायने में रिपेयर कर लेने का, यही टाइम है। सुन लीजिए, 2019-20-21 कोरोना का समय था, परमेश्वर कलीसियाओं को बताया अगर ठीक नहीं रहोगे ऐसे बड़े बड़े विपत्ति आने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, 3 साल क्यों लॉकडाउन में कलीसिया बंद हो गए? चरित्र में कभी कलीसिया बंद नहीं हुआ था, मगर ये चरित्र में पहली बार है कि कोविड में कलीसिया बंद हो गए विश्वासियों के वजह से, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर का प्रेम खत्म हो गया था, विश्वासियों के अंदर एकता खत्म हो गया था, घमंड से बातें करने का, कलीसियाओं को तोड़ने का, अपने अपने कलीसियाओं को भांगने का, परमेश्वर के नाम से अहंकार से बातें करने का, कोविड आया सबको घरों में लॉक कर दिया। कभी देखा चरित्र में कोई लॉकडाउन बोल के नाम कभी देखा आप लोगों ने? जिंदगी में कभी देखा लॉकडाउन? लॉक भी हो गए, डाउन भी हो गए, लॉक भी हो गए, डाउन भी हो गए, खाने के डाउन हो गया, पैसों के डाउन हो गया, जॉब के और लॉक भी हो गए। कभी सुना जिंदगी में? कभी आपके बाप दादा को कभी सुना लॉकडाउन बोल के? पूरा दुनिया को परमेश्वर ने लॉक कर दिया। क्यों पता है? जब परमेश्वर का डर लोगों के अंदर से निकलता है ऐसे लॉकडाउन होते रहेंगे। और मुंह के ऊपर परमेश्वर ने ताला भी डाल दिया था। क्या हो? बहुत बोल रहे तो दूसरों के बारे में मास्क डाल मुंह के ऊपर, बहुत बोल रही है तो अपने पति के बारे में, बहुत बोल रहा है तेरे पत्नी के बारे में, मुंह के ऊपर मास्क डाल। ऐसे भी हालात आ गए बेडरूम में भी मास्क डालकर सो गए पति पत्नी। पत्नी बोलने, पति बोलने लगा बस कर, बहुत बोली मास्क डाल, मास्क ही आ गए मुंह के ऊपर। हालेलुया। कलीसिया में भी आ गए, प्रभु को धन्यवाद, सिर्फ पास्टर के मुंह के ऊपर मास्क रहे थे, बाकी के सब लोग मास्क पहन के बैठे थे। तो बोल पास्टर इतने दिन हम बोल रहे थे, नहीं बोले क्यों बोल? हालेलुया। 3 साल परमेश्वर ने विश्वासियों को चेतावनी दिया कि जिंदगी बदलना जरूरी है, स्वभाव बदलना जरूरी है, आत्मिक जीवन में उन्नति होना जरूरी है। दुख की बात है 2022 यानी आज का साल परमेश्वर ने कलीसियाओं को तैयार होने के लिए दिया, प्रार्थना जीवन में खड़े होने के लिए दिया,
प्रेम के जीवन में वापस खड़े होने के लिए मौका दिया। क्यों पता है? अगले साल से वापस एक भयंकर दिन आने के लिए जा रहा है, महंगाई का दिन आने के लिए जा रहा है, लड़ाइयां जो है न्यूक्लियर के लिए तैयार है। समाचार देखो, हर देश जो है न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर खड़े हैं एक दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए। डर्टी बॉम्ब बोल के नाम दे रहे हैं इन दिनों में। एवरीबॉडी इज स्केयर्ड अबाउट द डर्टी बॉम्ब। व्हाट इज द डर्टी बॉम्ब? हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था दूसरा महायुद्ध में, और न्यूक्लियर बॉम्ब एक पायलट को दिया गया था जाकर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फेंक देना। अमेरिका के लोगों ने उसको दिया था, ये पायलट ऊपर उड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर। जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जाकर उड़ते उड़ते उसने ऊपर से वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फेंक दिया। चरित्र ये कहता है जब उसने बॉम्ब नीचे फेंका, उसने नीचे देखा, जब उसने नीचे देखा वो जो बर्बादी हुआ था वो जमीन के ऊपर, वो जो ब्लास्ट हो गया था जमीन के ऊपर, गिरते ही कितने लाखों लोग जो हैं मर गए थे, वो पायलट ने अपनी आंखों से देखा और उसका दिमाग में पागल हो गया, उसका दिमाग जो है लकवा मार दिया वो देखकर, वो मेंटली डिसऑर्डर हो गया। क्यों पता है? उसने ये कहा, इसका जिम्मेदारी मैं ही हूं, ये करोड़ लोग मरने का जिम्मेदारी मैं ही हूं। इतना भयंकर दिन जो है उसने वो हो गया था। मेरे प्यारों, कोविड के जमाने में भी परमेश्वर ने कलीसिया को चेतावनी दिया, बदल जा विश्वासी, बदल दे अपने जुबान को, बदल दे अपने प्रार्थना जीवन को, बदल दे अपने आत्मिक जीवन को। कोविड आकर परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर के बगैर ये दुनिया किसी भी काम का नहीं है। कमान चर्च, हालेलुया। 2022 आ गया, मुंह के ऊपर मास्क निकल गया, लोग सोचने लगे अब आराम से जीवन जिएंगे। संडे को प्रेयर को आओ, बिजी है। संडे को आकर प्रार्थना करो, बिजी है। कभी 2022 में बाइबल पढ़ो, बिजी है। आराधना करो, बिजी है। हाउस चर्च में इकट्ठा होकर सही समय पर प्रार्थना करो, 2022 में। क्या आपको नहीं लगता कि ये साल परमेश्वर ने तुझे मुझे एक साल दिया है अपने आप को परमेश्वर के साथ सही रिश्ता निभाने के लिए? क्या आपको ये नहीं लगता हमारे परिवार के साथ हम प्रिपेयर हो जाए, हम तैयार हो जाए, रिपेयर एंड प्रिपेयर टू मीट अवर लॉर्ड जीसस सेवियर। 2022 मुंह के ऊपर मास्क निकल गया, कोविड का टेंशन निकल गया, सब लोग अपनी मन मर्जी के अनुसार जीने लगे, प्रार्थना कम हो गया, आराधना कम हो गया, संगति कम हो गया, विश्वास के जीवन में दिन ब दिन कमजोर हो गए, हाथ में मोबाइल, मुंडी नीचे, इसीलिए गर्दन का दर्द भी शुरू हो गया। ऐसा ना, हालेलुया। ये बेफिक्र होकर आज कलीसिया जी रहा है, क्या पता है आने वाला समय भयंकर का दिन आने के लिए जा रहा है। आने वाला समय जो है वो महंगाई होने के लिए जा रहा है, आने वाला समय लड़ाइयां होने के लिए जा रहे हैं, आने वाला समय बहुत ही भयंकर साल रहेगा कलीसिया, इसीलिए अब तैयार हो जाना। क्यों क्यों क्यों? ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं इसका वर्णन कर आज मेरा प्रचार का पहला पॉइंट मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं। नबूकदनेस्सर सपना देखा, उसको याद नहीं। दानियेल कहता है मुझे राजा के सामने लेके जाओ, लेके जाते हैं, खड़ा करते हैं। दानियेल यहूदी था, सब लोग बोले दानियेल यहूदी था। ये चरित्र है कि यहूदी लोग बहुत ज्ञानी रहते हैं, ये चरित्र है कि यहूदी लोग जो है बहुत स्कॉलर्स रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ज्ञान को यहूदियों के अंदर डाला। जो चश्मा पहनते हैं ना वो भी यहूदी लोगों ने बनाया, वो जो लेंस लाते हैं ना आंख में वो भी यहूदी लोगों ने बनाया। ये हवा से पानी निकालने का जो तरीका है उनके पास है। इज़राइल के ऊपर बॉम्ब डालोगे तो इज़राइल भी नहीं करेगा, वो ऊपर एक कवच उन्होंने बनाया है, उधर से उड़ जाएगा। न्यूक्लियर भी उनके अंदर जा नहीं सकता, उतना ज्ञान परमेश्वर ने यहूदियों को दिया है। रेगिस्तान है इज़राइल, पता है आप लोगों को? इज़राइल जो है वो रेगिस्तान है, मगर आज उधर एप्पल होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी होता है। कमान, हालेलुया। पानी की कमी नहीं है, हरियाली है वहां पे।
नट्स होते हैं वहां पे। इतना आशीष, इतना ज्ञान परमेश्वर ने इज़राइल को दिया है क्योंकि मेरा यीशु का जन्म स्थान है वो। आज आप लोगों के रहस्य बताऊं, बेतलहम में यीशु मसीह पैदा हुआ, ओलिव पर्वत के ऊपर यीशु वापस आने वाला है, उधर ही आएगा। इज़राइल में ही जब यीशु आएगा, ओलिव पर्वत है, और जब यीशु का ये बड़ी बात है, जब यीशु मसीह दूल्हा राजा बनकर आने वाला है, यानी बीच आसमान से जब इज़राइल में उतरेगा, ओलिव पर्वत बोल के है उधर, जब यीशु आएगा ओलिव पर्वत के ऊपर अपने पैर रखेगा, एक ओलिव पर्वत दो भाग में होने के लिए जा रहा है। ऐसा है मेरा यीशु का आगमन। आपको क्या लगता है हम आराम से है यीशु का आगमन ऐसा होने के लिए जा रहे भैया? तू जिस यीशु से मुलाकात करने के लिए जा रहा है उसका आगमन बहुत ही भयंकर होने के लिए जा रहा है। अब सुन लेना, इसे का स्टैचू का मतलब बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। नतानिएल जाता है और राजा कहता है क्या तू बता सकता है? वो कहता है मेरा परमेश्वर बताएगा, मेरा परमेश्वर बताएगा। सुन राजा, अब बोल रहे दानिएल, नबूकदनेस्सर राजा, तूने जो सपना देखा बीच रात में वो ये था, ये जो मूर्ति जिस तरह सब लोग यहां पे नजर रखी है, क्योंकि बहुत गहरी बात है, ऐसे एक मूर्ति को तूने अपने सपने में देखा। अपने सपने में एक बड़ा सा मूरत को तूने देखा, जिस मूरत का जो सर है वो सोने का था। कैसा था वो? सोने का। कैसा था? सोने का। हालेलुया। वो कैसा था? सोने का। और दूसरा, उसका जो दर है, यानी उसका जो चेस्ट और दोनों हाथ यानी कमर तक जो है वो चांदी का था। सर कैसा था? सोने का। और छाती और दोनों हाथ कैसे? चांदी के। और उसके बाद में कमर से लेकर जो जांग तक जो है वो उसका अंदर क्या बोलते हैं, पीतल का था। कौन सा था? पीतल का था। ठीक है, पीतल को ब्रोंज, ठीक है, और इंग्लिश में ब्रोंज, ठीक है, वो पीतल का था। और उसके बाद में जो पैर है वो लोखंड के थे, ठीक है, वो कैसे थे वो? और उसके बाद में जो नीचे जो 10 उंगलियों का जो दो पैर है वो मिट्टी और लोखंड से वो बनाया गया था। अब सुन लीजिए, सर कैसा था? सोने का। अब दानिएल नबूकदनेस्सर को बता रहा है, राजा वो सर कोई और नहीं है, वो सर आप है, आप नबूकदनेस्सर राजा, क्योंकि आप हर राज्यों के ऊपर, हर देशों के ऊपर मुकुट बनकर खड़े हैं। आप जिसको मानता था मारते थे, जिसको मानता था आप सोना देते थे। आपका राज्य जो था, आप महाबलशाली राजा है, आपका है। सोना जो है वो बेबीलोन का देश था, और ये बेबीलोन का देश जो है यीशु मसीह पैदा होने के पहले 600 साल और 550 साल के बीच में ये बेबीलोन का जो देश है वो था, अब नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बनकर कम से कम 1, 2, 3, 4 अभी हम लोग जो जी रहे हैं ये पांचवा किंगडम बोलते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट द किंगडम? राज्य, एम्पायर, राज्य। सोने का राज्य, चांदी का राज्य, पीतल का राज्य, लोहे का राज्य, और लास्ट में जो 10 उंगलियों का जो है उसको मल्टीपल किंगडम्स बोल के, यानी अलग अलग राज्यों का एक राज्य जो है वो है। हो सकता है कि समय में कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मगर लास्ट में मैं आपको चॉकलेट दिए जैसा समझाऊंगा, समझ लेना, क्योंकि शुरुआत को ही बताया, सुनना काफी नहीं है, समझना जरूरी है। सोना कौन है? नबूकदनेस्सर राजा, जिसने तू सपना देखा ये तू है, और उसके
चांदी जो है यानी नबूकदनेस्सर राजा मरने के बाद में मीडिया फर्सिया बोल के जो दो राज्य इस धरती के ऊपर हुकूमत किया, एक दोनों जो दूसरे के साथ ताकतवर थे यानी मीडिया फर्सिया से भी ताकत था, फर्सिया जो है मीडी राज्य से बहुत ही ताकतवर होकर वो लोग जी रहे थे। उसके बाद में पीतर ग्रीस अलेक्जेंडर द ग्रेट और ये जो है वो यीशु मसीह आने के पहले 300 साल में उस जमाने में अलेक्जेंडर द जो ग्रेट है जो इस दुनिया को हुकूमत चलाया, चरित्र में स्कूल्स में सोशल बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा रहेगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने इस दुनिया के ऊपर हुकूमत किया, उसने इस दुनिया को हासिल कर लिया। 7 बार लड़ाई करने के लिए गया मगर फेल हो गया, 8वां बार लड़ाई कर पूरा दुनिया को अपने हाथ में उसने ले लिया अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके बाद में जो दोनों पैर हैं वो लोखंड के हैं, जोर से बोलिए लोखंड के हैं। लोखंड मतलब ताकतवर, लोगों को ध्वंस करना, लोगों को मार देना, क्रूस के ऊपर चढ़ा देना, खूनों खून की नदियां बहा देना। किसने किया? रोमन गवर्नमेंट ने किया। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर किसने चढ़ाया? जेलों को जिंदा जलाया किसने? कलीसियाओं को तोड़ा किसने? जी हाँ, लोखंड के समान। मगर जब नीचे आने के बाद में 10 उंगलियों का जो 2 पंजे हैं वो मट्टी और लोखंड से बनाया गया है, मिक्सचर है, बोलिए मिक्सचर है। 2 पंजों में कितनी उंगलियां हैं? 10। यानी इसको मल्टीपल किंगडम। अगर आ और ये जो है मिट्टी और लोखंड का जो मिक्स है वो आज का डेमोक्रेसी को सूचना दिखाता है। हेलो, बगल वाले को देखकर बोलो जागते रहकर सुनना, क्योंकि ये बालवाड़ी बच्चों का वचन नहीं है, पहले ही बताया ये वचन चेलों के लिए है। कोई आमीन बोल सकते हैं? सोएगा तो जाएगा, जागेगा तो बचेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जो 10 उंगलियों का जो पंजा है वह आज के दिनों में जो आज का जो अब डेमोक्रेसी हम किसमें जी रहे हैं, कौन सा राज्य में जी रहे हैं? डेमोक्रेटिक है ना, आजादी है। मगर इस डेमोक्रेटिक में 10 अभी जो देश है अमेरिका, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया है ना, ये जो 10 देशों को ये 10 उंगलियां जो है ये सूचना दिखाता है। अब सुनना, सोने का राज्य का राजा कौन था? चांदी का राज्य का राजा कौन था? मीडिया पर्सिया। पीतल का राज्य का राजा कौन था? और लोखंड का राज्य का राजा कौन था? हेरोद और रोमन्स। रोमन्स गवर्नमेंट में हेरोद आया कभी। डेमोक्रेटिक का राजा कौन है? कौन है? कोई है? इट्स अ मल्टीपल किंगडम्स, यानी 10 देश है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में खोलने की जरूरत नहीं, घर जाकर पढ़ लेना। वहां पे लिखा गया है समुद्र से 10 सिंह उठकर बाहर आ रहे हैं। दानियेल की किताब में 7वां अध्याय में दानियेल फिर एक बार दर्शन को देख रहा है कि वो 10 सिंहों को बाहर आता हुआ देख रहा है। वो 10 सिंह कोई और नहीं है, वो 10 सिंह जो है वो आज दिखने वाले जो नेशंस हैं, जो राज्य है, अमेरिका रहने दो, रशिया रहने दो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जो बड़े बड़े जो देश आज दिख रहे हैं आज का है, जो कि डेमोक्रेटिक में जी रहे हैं और इनका एक राजा नहीं है। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, सुनना बहुत जरूरी है कलीसिया। आज जो 10 देशों का राजा एकला नहीं है, लड़ाई चल रहा है। क्या चल रहा है? अमेरिका कहता है कि वी आर द किंग, रशिया कहता है कि यू आर नॉट, वी आर द किंग, चाइना कहता है कि हम किंग हैं, कोई एकला राजा नहीं है। और कुछ सालों के पहले सऊदी अरेबिया में किंगडम था, सऊदी अरेबिया में किंगडम था यानी राजा था सऊदी अरेबिया में। मगर पिछले साल उसी सऊदी अरेबिया में इलेक्शन हुआ और प्रधानमंत्री उधर बना दिया, इसका मतलब वो भी किंगडम खत्म हो गया। सऊदी अरेबिया में शराब नहीं पीते थे, सऊदी अरेबिया में व्यभिचार नहीं कर सकते थे, चोरी नहीं होता था, मगर पिछले साल से वहां पे पाप करने के लिए परमिशन मिल गया।
स्टेडियम में शराब का दुकान खोल दिया, पाप करने के लिए लोगों ने लाइसेंस दे दिया। क्यों पता है? क्योंकि इन आखिरी दिनों में पाप करने के लिए दुनिया को लाइसेंस दिया गया है। बाइबल पढ़ते हो तो मारेंगे, पाप करते हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पाप करते हो तो बोलेगा यू आर द मैच्योर्ड मैन बोलेगा, है ना। अगर दुनिया के लोगों के सामने जाकर खड़ा करोगे, बाइबल पढ़ना ब्रदर, प्रार्थना करना, ये क्या खाके मरे तो ये करना मरे, ये करना मरे, मैच्योर्ड मैन, गर्लफ्रेंड रहना मरे, बॉयफ्रेंड रहना मरे, शाम को लापत में घूमना मरे, शाम को कर्म में घूमो मरे, ये मैच्योर्ड है रे। मैच्योर्ड करेगा एक दिन आग में भी तू मैच्योर्ड होता रहेगा। 30,000 से भी ज्यादा डिग्री जब आग में तुझे फेंका जाएगा, आई एम मैच्योर्ड, आई एम मैच्योर्ड। लोगों को मालूम नहीं नरक है बोलते, इसीलिए तो ऐसा जुबान खोलकर बातें करते रहते हैं, डर ही नहीं है। विश्वासी लोग, हमें यह मानना जरूरी है कि स्वर्ग भी है, नरक के बारे में जानकारी रहेगा तो भयभीत होकर जिंदा रहेगा, परमेश्वर के ऊपर भक्ति रखकर जिएगा, कोई आमीन बोल सकता है। अब सुनना, ये 10 देशों का राजा कोई भी नहीं है। और एक बात, इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं, मेरे बच्चों का बिटकॉइन को देख रहे हैं आप लोग। पिछला समय मैंने आप लोगों को बताया, अक्टूबर या नवंबर में अमेरिका डिजिटल करेंसी को एडॉप्ट करने के लिए जा रहा है, ऑलरेडी एडॉप्ट हो गया है। इसका मतलब है अमेरिका में अभी डॉलर नहीं चलेगा, चाइना में ऑलरेडी कैशलेस देश हो गया है, वहां पे नोट है आप लोग के पास, कीजिएगा नोट, नोट है, पैसा है, बिना पैसे के आते तुम लोग, एक नोट है, नोट लेके आना ऑफिस में, एक बार देगा वापस देगा, हमारा इंडिया का जो पैसा है ये रुपया है, अमेरिका का जो है ये डॉलर है, नेपाल का जो है नेपाली रुपया है, अलग अलग देशों का अपना अपना करेंसी है, मगर इन दिनों में एक नया करेंसी जो है वो प्रवेश हो गया है दुनिया में, उसका नाम है डिजिटल बिटकॉइन। रुपया इंडिया का है, डॉलर अमेरिका का है, पाउंड जो है इंग्लैंड का है, दिनार जो है वो दुबई का है, बिटकॉइन किसका है किसी को मालूम नहीं है। भाई हम लोग देख रहे थे और आपसे बात करने के बाद मैंने नबूकदनेस्सर में घुसा देखने के लिए, बिटकॉइन का फाउंडर कौन है अभी तक किसी को पता नहीं है, किसने इसको बनाया, किसने इसका फॉर्म किया, मगर आज एक बिटकॉइन 15 लाख के ऊपर जो चल रहा है, सही है ब्रदर, कोविड के पहले 45 लाख का इसका जो कीमत था, और अमेरिका ये बोल रहा है कि अभी पेट्रोल जो है दुनिया को मतलब आसमान को टच हो रहा है, हम अभी इस करेंसी के साथ नहीं जा सकते, चलो हम लोग डिजिटल करेंसी को एडॉप्ट करेंगे। इसका मतलब है बहुत ही जल्दी से आपके हाथों से जो रुपया है ये जो है ये दिखेगा नहीं, ऑलरेडी दिखने के लिए खत्म हो गया, क्योंकि सब किधर है इन दिनों में, फोन पे गूगल पे करते रहना, मैसेज आएगा 20,000 आ गया, अब थोड़ा सा 10,000 भेजना, भेज दिया, हाथ में नोट नहीं दिख रहा है मगर पैसे का लेन देन हो रहा है। हेलो, रुपया नहीं दिख रहा है मगर आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो, ऐसा नो ब्रदर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्यों? क्योंकि हर कोई डिजिटल करेंसी यानी वन करेंसी में ये दुनिया प्रवेश होता हुआ देख रहे हैं हम लोग, वन करेंसी में जा रहा है। इसका मतलब आने वाले दिनों में नहीं है बाबा, यही साल आखिरी तक और अगला साल शुरुआत तक पूरा दुनिया एक करेंसी में प्रवेश होने के लिए जा रहा है, एक करेंसी। मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूं, मैं बताने के लिए जा रहा हूं, हो सकता है कि थोड़ा सा समय हो जाएगा मगर जल्दी से खत्म हो जाएगा। पैसा जो है एक रहेगा, और आपको पता है वन लैंग्वेज भी इन दिनों में हो रहा है, वन लैंग्वेज एक भाषा, आपने आपका माँ ने आपके बाप ने आपका अच्छा अच्छा नाम रख
दिया, संतोषी।